अरे दोस्तों, आज तो पोपट हो गया। ये आए थे वॉलीबॉल देखने के लिए और ये अभी ठंड के मौसम में ही वॉलीबॉल का खेलना बंद कर दिया है। अभी ये फ्रिज का सेटिंग कर रहे हैं। मैं और नैतिका है साथ में बाजार में, तो ये अभी दोस्त की दुकान पे फ्रिज एक्स्ट्रा पड़ा है तो उसका अभी सेटअप कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा दुकान है तो अभी इसमें रखेंगे, क्या करेंगे। ये तो बहुत सारा कबाड़ का सामान पड़ा है। अभी जा रहे हैं वापस घर पे। मैं जा रहा हूँ इधर से। इसकी मस्ती देखो, इसकी मस्ती। कैसी बैलेंस करता हुआ जा रहा हूँ मैं। कैसी बैलेंस है? वोडाफोन का जियो जियो दन दन दन। अभी सेकंड लेवल पार करते हुए थर्ड लेवल में पहुंचते हुए, और ये थर्ड लेवल भी कंप्लीट कर लिया है। अभी फोर्थ लेवल में पहुंच रहे हैं। और सबसे लास्ट आती है नारायण सरोवर की लास्ट बस, मुंद्रा नारायण सरोवर। और अभी हमको वीडियो चुनावी बनाने मौसम को में भी ये आई है, वो ही अच्छी बात है। बोलो। अभी गाइस हमको वीडियो डालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि जानी वो आ रही से हमारा इधर पूरा होगा, और तब यहाँ पे कोई ऑफर नहीं चल रहा है। 4 GB मिला था, अब 2 GB मिलेगा 850 रुपये में। 850 रुपये में 2 GB है। अभी क्या करेंगे? अभी कोई वाईफाई वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा, या फिर तो कार्ड जियो का करा के उसका ऑफर देखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जियो वाला करा के देखेंगे, फिर वाई फाई वाला बंदा ढूंढेंगे। दूसरा क्या? अच्छा, ये बात है। और कितने आज कितनी तारीख है? 18 18 16 तारीख को मैं बैडमिंटन लाया था यहाँ से 200 रुपये में, और इसकी हालत पतली हो गई है बैडमिंटन की। नेट टूट गई है, और कोक आया था पहला ही टूट गया, दूसरा लाया है इतना खेलते हैं। और इसको ब्रिजेस को दिया तो ब्रिजेस ने दो ऐसे शॉट मारे भाई साहब। बैडमिंटन का जो सरिया कहते हैं ना, यहाँ के बाद हैंडल हैंडल वही पूरा मुड़ गया। अभी क्या करेंगे? अभी क्या, सीधा तो कर दिए हम लोग ही खेलेंगे। तुम अभी तो सबसे ज्यादा दिक्कत नेट की हो रही है, करें तो क्या करें। नेट की तो बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ उसके लिए यहाँ पे तकलीफ बोल रहे हैं। तो ये गांधी बापू को हम बोलते हैं अभी। ओ गांधी बापू, नेट की तकलीफ थोड़ी दूर करो। अभी कोई नहीं है रास्ते पे, हम मैं तो अकेला ही अक्सर आगे तो आता हम नहीं। बाजार से आए हैं अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह के, ये अभी ठंड के मौसम तभी आई मानी जाती है कि ये नारियल का तेल तब तक जम नहीं जाता। तो ये अभी धूप में रखा है उसको पिघलने के लिए। ये अभी मैं पहुंचा हूँ विथौन। विथौन में एक महात्मा जी के साथ में आया हूँ, और ये सामने आप देख रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति। वहाँ पे आज जाने का प्रोग्राम नहीं हो सका है, तो ये बाहर से ही वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। इधर पास में जो है वो दूसरे भी मंदिर है, इसमें खेतला खेताबापा मंदिर है। विथौन बहुत ही बढ़िया जगह है यहाँ पे।
ये रोड के ऊपर टहलने को निकला था तो मैंने सोचा आपको ये भी दर्शन करा दूं बाहर से। इसके अंदर ये विथोन से अभी निकले हैं और जा रहे हैं भुज जुड़ाव कर। आज इसमें ये है तोरणनाथ जी का टेकरा समाधि। साथ हैं ओमकारानंद जी महाराज, इनके साथ में अभी जा रहा हूँ। तो ये गांव है लाखियार वीरा, जाम लाखा जी और जाम वीरा जी ने बसाया था ये गांव। ये गांव के पास में नदी है और ये लाखियार वीरा से होकर अभी देवीसर वाले रोड से जा रहे हैं निरोना, निरोना से जुरा, जुरा से भूज। सामने ये सब आप पवन चक्की के खम्बे देख सकते हैं और महाराज जी भी बैठे हैं साथ में। कभी बोला वीडियो उतार लो आपका, तो बोले कोई बात नहीं वीडियो बना लो। तो दोस्तों ये गांव है निरोना, नखत्रणा तालुके में है ये गांव, बहुत बड़ा गांव है। और ये गांव की आप एक बात बता दूं आपको, तो ये वो गांव है जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हुआ करते थे स्मृति ईरानी जी, इन्होंने ये गांव को दत्तक लिया है। इस गांव का कपड़े पर के रंग रोगन की कला और चमड़े का काम, चर्मोद्योग और तांबे पीतल के उसके ऊपर जो भी आर्ट बनाना उसके लिए बहुत ही फेमस है ये गांव। कपड़े का भी बहुत ही अच्छा है यहाँ का काम, कच्छी लुंगी और कच्छी वर्क का जो भी काम होता है बहुत बढ़िया। ये सब आप दुकानें भी देख सकते हैं। और दूसरी बात बता दूँ, इस गांव का वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लैंड, गुजरात का सबसे बड़ा रेवेन्यू का जमीन इस गांव का है निरोना का। ये सामने जो डूंगर दिखाई दे रहा है वो है जुरा डूंगर, अभी उसकी तलेटी में जूरा गांव और जूरा कैंप बसा हुआ है, वहां पे जा रहे हैं। तो चलो मिलते हैं जूरा। तो दोस्तों ये जूरा पहुंचने के बाद मैं देखा तो टायर पंचर था, तो अभी मैं आया हूँ टायर पंचर बनवा के लिए। साथ में है सुरेश भाई और अभी चल रही है चाय पे चर्चा। ये अभी टायर तो बन चुका है, पंचर निकल चुका है इसका, अब जुरा से निकल चुके हैं माधापुर जाने के लिए। ये बीच वाले रास्ते से आए थे, अभी इस रास्ते से जाएंगे अभी लोरिया, लोरिया के बाद रुद्राणी, रुद्राणी और भूज। रास्ते में तो दूसरे गांव भी आएंगे, लेकिन ये सामने अभी बोर्ड है, ये बोर्ड का वीडियो पोज करके देख सकते हैं कि यहाँ से ये रास्ता कहाँ जाता है। ये लेफ्ट साइड में काला डूंगर धोरड़ो वाइट डेजर्ट की तरफ जाता है, इस रास्ते का काम अभी चालू है। तो ये अभी पहुँचे हैं रक्षक वन के पास में, ये भी बहुत ही देखने लायक सुंदर वन है, गुजरात का सबसे बड़ा वन रक्षक वन है वो कच्छ में,
भुज तालुके में, ये है रुद्र माता डैम, रुद्राणी के पास में रुद्र माता डैम। ये महात्मा जी किसी के सामने दलील में, किसी की दलील सुनते ही नहीं है, लेकिन इस एक चाचा की दलील सुनते हैं। ये चाचा उनके अभी इधर नील गाय खड़ी थी, करते वो उनकी दलील चलती, और जैसे कैमरा ऑन किया वो चली गई। अभी गेट खोलते हैं, चलो। अभी 2 बजे और अभी घर पे पहुंचा, और ये डॉन हमारे अभी जाग रहे हैं। कितने बजे है? नींद नहीं आती? नींद नहीं आती। क्यों? तुम नहीं आती हो तो मेरे को नींद भी नहीं आती है। अच्छा, कभी से देर रह दिखती थी, कभी आएगा कभी आएगा, तो आपको फिर मैंने बोला फोन करूं, तो आवाज आया। अच्छा, तुम आ गए। रोज खड़ा था बाहर गेट के पास, रोज रोज रहा रोज रहा। फिर क्या किया? भाग गया, गाड़ी का आवाज सुना तो मैं वीडियो उतार रहा था तो भाग गया। तो क्या करे, 2 बज गए। तो अभी इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, बोलो लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, इस चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब 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 करो बस। टाटा, बाय बाय। टाटा, बाय बाय, बाय बाय, सी यू।